दोस्तों जल्दी ही आप लोगों के बीच में एक बार फिर से नागिन 6 अगेन कम बैक करने जा रहा है। नागिन 6 की बात की जाए तो नागिन 6 में इस बार फिर से अदा खान और अदा खान के साथ में रूबीना दिलेक दोनों ही अहम और एक मेन किरदार में नज़र आने वाली हैं। अक्सर देखा गया है कि रूबीना दिलेक और अदा खान टेलीविज़न के एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में एक से बढ़कर एक हिट सीरियल हिट किरदार दिए हैं और लोगों ने वाकई में आज तक भी काफ़ी पसंद किया है। आप लोगों को पता है नागिन 6 के लिए अदा खान को इस बार काफ़ी मोटी फीस दी है एकता कपूर ने, क्योंकि एकता कपूर ने दोनों के लिए ही, जैसे कि अदा खान हो गए या रूबीना दिलेक, दोनों के लिए बहुत मोटी फीस दी है ताकि इन दोनों को किसी भी तरीका की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि अक्सर देखा गया है कि जेनिफर विंगेट अपने हर टेलीविज़न सीरियल के लिए अदा खान और रूबीना दिलेक अपने टेलीविज़न सीरियल के लिए काफ़ी समय से काफ़ी एक्साइटेड हैं और इस बार तो उनकी एक बार फिर से बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि नागिन 6 टेलीविज़न का एक ऐसा सीरियल है कि जिसमें अदा खान के साथ में रूबीना दिलेक का नाम काफ़ी समय से टेलीविज़न पर आ रहा था। अदा खान पहले भी नागिन का हिस्सा रह चुकी हैं और एक बार फिर से नागिन का हिस्सा बनने जा रही हैं और नागिन के हिस्से में उनका रोल हमेशा ही पवित्र और काफ़ी सरल रहा है, लेकिन इच्छाधारी नागिन का किरदार निभाना हर किसी के बस की बात नहीं है, जो कि इस बार देखने को मिलेगा कि रूबीना दिलेक और उनके साथ में अदा खान किस तरीक़ा से इस रोल को निभा पाती हैं। साथ ही दोस्तों आप लोगों को कुछ अन्य जानकारी से अपडेट करा देता हूं कि अगले महीने नागिन 6 की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपके पास में जनवरी फरवरी में नागिन 6 का ट्रेलर देखने को मिलेगा, जिसमें आप एपिसोड में देख पाएंगे कि किस तरीक़ा से दोनों नागिन एक दूसरे के साथ में काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं और काफ़ी एक्साइटेड भी हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आखिर आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। थैंक्स कि आपने मेरी वीडियो को इतना प्यार दिया, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच गाइस एंड लव यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।